हाय दोस्तों, मैं हूँ शायोन चैटर्जी और मैं आज पहली बार आपके सामने ले आया हूँ हिंदी में गल्प कहानी, जिस कहानी में आप अपने आप को पाएंगे और अपने जिंदगी के कुछ मिलते जुलते पल, कुछ किस्से जिस पल में हम कभी ना कभी जी चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गल्प कहानी पे आज की एक छोटी सी कहानी, बस स्टॉप की कहानी, जिसको लिखा है मैंने। साथ में रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बस स्टॉप। सुबह होते ही ना जाने कितने लोगों से मैं हर दिन मिलता हूँ। हर किसी का है अलग अलग मंजिल, किसी को ऑफिस जाना है या फिर अपने बिजनेस के लिए, तो किसी को स्कूल या कॉलेज। ओ हेलो, मेरा नाम है राहुल। इसी बस स्टॉप में मैं रोज खड़ा रहता हूँ अपने ऑफिस बस के लिए। हर रोज मिलता हूँ कितने सारे नए लोग से। हमेशा उन लोगों से मेरा मुलाकात तो नहीं होता है, पर कभी कभार मैं उन लोगों का बातें सुन लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना। इससे मुझे जिंदगी को और भी करीब से जानने की मौका मिल जाता है। फिर एक दिन आया वो दिन जब मैं उसको पहली बार देखा। उसको मतलब इस कहानी का वही तो है नायिका, जो मुझे इसी बस स्टॉप में मिली थी एक दिन। शायद कॉलेज गर्ल है। रोज सुबह अपने पापा के साथ इसी बस स्टॉप पे आती है और मैं रोज उसको देखता हूं दूर से। वैसे खूबसूरत लड़की तो मैंने पहले भी बहुत बार देख चुका हूं, लेकिन इस लड़की में ना जाने क्या था, एक अलग ही मासूमियत थी। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, इधर उधर अपना नजरें फिराना और बीच बीच में अपने जुल्फ की लट को अपने उंगली से पीछे कर देना। ये हवाएं भी ना काफी बदमाश है। हर बार उसका जुल्फ को बिखरते हुए निकल जाता है और फिर वो अपने हाथों से उस जुल्फों को ठीक करने लगती है। उस दिन के बाद वो मुझे रोज दिखी और हर रोज मेरा सारा ध्यान सिर्फ उसकी तरह रहता था। दिल को लगता था ये लम्हा यही थम जाए, कभी ना खत्म हो ये पल। वो ऐसे ही खड़ी रहे और मैं यूं ही उसको देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं। वैसे ना मैं बहुत सिंपल सा लड़का हूं, एवरेज हूं, चाहे वो लुकिंग वाइज हो या मेरा लाइफस्टाइल। तो चांद ना दूर से ही देखना मेरे लिए ठीक है, उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। एक दिन तो हद ही हो गया। उसको देखने के चक्कर में मेरा ऑफिस बस छूट गया। वैसे तो मेरा ही बस रोज पहले आता था, फिर भी उस दिन मुझे क्या हो गया था,
अब भैया क्या करे, आप ये बताइए। खैर, और एक दिन की बात है, मैं खड़ा था वही बस स्टॉप पे, पर उस दिन उसका चेहरा थोड़ा सा उदास था। उसका पापा भी उससे शायद कुछ बोल रहा था, शायद उससे नाराज है, मुझे तो ये लग रहा था। इसी चलते उसने मुझे पहली बार देखा, हमारे नजरें एक साथ मिली, पर ये क्या, वो तो गुस्से में लग रही है, गुस्से में वो और भी कितना खूबसूरत लग रही थी। पर दिल ही दिल में मुझे दुख भी हुआ, शायद मेरा उसको ऐसे ही देखना पसंद नहीं। तो क्या इसीलिए वो नाराज थी? मैंने भी दूसरे की ओर मेरा नजरें घुमा ली। मैंने तभी ठीक कर लिया कि अब से मैं उसको ऐसे नहीं देखूंगा, शायद ये ठीक नहीं है। फिर अगले कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, वो मेरे सामने रहता तो था लेकिन मैं दूसरे की ओर अपने नजरें फिरा लेता था हर बार। दो दिन से वो अब बस स्टॉप पे नहीं आ रही थी। क्या हुआ अचानक उससे? वो ठीक तो है? उसका तबीयत ठीक तो है ना? क्या वो मुझसे इतना नाराज है कि बस स्टॉप पे आना ही बंद कर दी? ये सारे सवाल का जवाब मुझे चाहिए था, पर पूछता तो किससे? उस दिन मेरा ऑफिस पे मीटिंग था, तो मुझे प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने बस स्टॉप की सीट पे बैठकर मेरा राइटिंग स्पीच देख रहा था। तभी अचानक से वो लड़की मेरे सामने था, उसके पापा के साथ उसी बस स्टॉप पे। फिर से मेरे तो सारा ध्यान फिर से उसके तरह चला गया। फिर मैंने अपने पेपर्स की तरह नजर डाला, मन ही मन में सोच लिया, खैर वो ठीक तो है, बस यही कभी है मेरे लिए। मुझे अब खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर से मैं अपना पेपर्स की ओर अपना नजर डाला। पर यार ये कमबख्त दिल ना सुधरेगा नहीं, फिर मुझे परेशान करने लगा। मन ही मन में बोल रहा था, अरे भाई एक बार देख लो ना, देखने से क्या जाएगा, देख लो देख लो देख लो। तो मैंने झट से उसके तरह एक बार देख ही लिया, पर ये क्या भैया, ये क्या, ये मैंने क्या देख लिया? वो भी मुझे पलट के देख रही थी, उसके पापा पेपर पढ़ रहा था और वो मुझे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने अपना नजर फिरा ली और मैंने भी। फिर सोचा चलो आज तो मैडम गुस्सा नहीं है, लगता है आज मूड ठीक है। फिर मेरा मन फिर से बोला कि देख लो भाई और एक बार देख लो। तो
चलो मैं फिर से देखा। फिर वो, अरे वो तो मुझे फिर देख रहा है। फिर वो अपना नजर घुमा ली। फिर वो अरे भाई ये हो क्या रहा है? ऐसे ही आंखों आंखों में लुक्का छुपी का खेल चलता रहा कुछ देर तक। फिर मेरे बस आ गया और मैं उसमें उठ पड़ा। जाते जाते मैंने देखा कि वो मेरे बस की ओर देख रही थी दूर से भी। उस दिन मेरा ऑफिस मीटिंग पे मेरा प्रेजेंटेशंस कमाल करा, सबने खूब सराहा। मेरे दिल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका था उस दिन। क्या इसका क्रेडिट मैं उस बास्टोव वाली नायिका को दूं? शायद। फिर उस दिन के बाद हम वैसे ही मिलते रहे लगातार। दिल तो करता था कि उससे जाके बात कर लूं, पर उसका पापा है ना, कैसे करूं? तो वैसे ही हमारा आंखों आंखों में इशारा होने लगा। कभी वो मुस्कुराता था तो कभी मैं। फिर एक दिन मुझे एक आइडिया आया कि मैं मेरे बारे में कुछ बताऊं। तो एक दिन मैं एक छोटे कागज में उसको अपना नाम बताया और ये भी पूछा कि उसका नाम क्या है, वो उस दिन गुस्से में क्यों थी और दो दिन से कहां थी, मैं कितना परेशान हो गया था। अब कागज में लिख तो लिया, पर उसको दू तो कैसे दू, क्योंकि उसके पापा तो एकदम सामने ही रहते हैं। मेरे बस भी आ गए थे तो मैंने उसके पास गुजरते हुए जब जा रहा था तभी मैंने उसके पैरों के ठीक नीचे उस कागज के टुकड़े को फेंक दिया। झट से वो अपनी पैदल नीचे अपने पापा की नजर से बचाते हुए वो कागज के टुकड़े को छुपा ली। बस में जाते जाते मैंने देखा कि उसका बैग वो नीचे गिरा दी। मैं भी समझ गया कि काफी होशियार भी है। अब मेरा संदेशा तो उसके पास पहुंच गया था, पर अभी उसका बाड़ी था। फिर अगले ही दिन वो खूब स्माइल कर रही थी। उसका वो स्माइल देखकर ना दिन और भी अच्छा हो जाता है। अब उसकी पापा ने मेरे तरफ देखा, मेरे तो भैया तोते उड़ गए। मैं भी हाथ में मेरे मोबाइल फोन से कुछ करने लगा, जैसे कि मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूं। तभी मुझे याद आया, धत तरीकी, उसको तो मैं अपना मोबाइल नंबर देना ही भूल गया। फोन तो स्मार्ट हो गया है पर मैं वैसे का वैसा ही रह गया। फिर क्या, मैंने फिर से एक कागज के टुकड़े पे मेरा फोन नंबर लिख डाला, पर दूर से वो मुझे इशारा कर रहा था। अरे उसके हाथ में भी तो कुछ है। हाँ, कागज के टुकड़े। अचानक से वो उस कागज के टुकड़े को चालाकी से अपने पापा की नजरे से बचाते हुए मेरे ही ओर फेंक दी, लेकिन वो जाके गिरी एक आदमी के सर पर।
वो आदमी मेरे ही सामने खड़ा हुआ था। वो अपनी जुबा को एक बार बाहर करके हंसते हुए फिर पापा से बात करने लगे। वो आदमी एक बार मुझे और एक बार उसको गुस्से से देखने लगा। मैं भी देर नहीं की, उस कागज के टुकड़े को उठा लिया। फिर मेरे पास आई और मेरे वाला कागज के टुकड़े मेरे ही पास रह गया। वो दूर से ही हंस के मुझे हाथ थोड़ा सा उठा के बाई का इशारा किया। बस में उठते ही सामने जो मुझे सीट मिला, मैं उसी में बैठ गया। मुझसे और रहा नहीं गया था। मैं उस छोटे से कागज के टुकड़े को खोल के पढ़ने लगा। उस छोटे से कागज के टुकड़े में उसने लिखी थी, हेलो राहुल, मेरी ना सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रही है, आज खत्म होने वाली है। उस दो दिन मेरी एग्जाम नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं आई थी। वैसे मैं गुस्से नहीं हूँ, उस दिन एक्चुअली ना मेरी पिछले दिन का एग्जाम कुछ खास नहीं गई थी, और मेरे पापा का उसी कॉलेज का इंग्लिश के प्रोफेसर है तो पापा भी थोड़ा नाराज थे मुझसे। मैंने ना तुम्हें पहले दिन से ही नोटिस कर रही हूँ, कैसे देख रहे थे। हाँ, ऐसे भी कोई देखता है क्या। पहले पहले तो तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, पर अब तो तुम मेरी आदत बन चुके हो, तो रोज देखना ऐसे, ओके। पर थोड़ा संभाल के, हाँ पापा है ना। खैर तुमने तो पूछा नहीं, पर मैं अपने मोबाइल नंबर दे रही हूँ, तुम्हारा कॉल का इंतजार रहेगा। तुम्हारी नई दोस्त स्नेहा। नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा था। अब मेरा खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इस कहानी की तरह हमारी जिंदगी भी काफी ड्रामेटिक है। हमें कहां, किस तरह, किस मोड़ पर नई दोस्त मिल जाए, यू नेवर नो। स्नेहा की किरदार को अपनी आवाज दी है दिया शौरकार, और राहुल की मैं। साथ में रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो।